दोस्तों YouTube पे इंटरनेट पे भीगे बादाम यानी कि सोक्ड आलमंड्स के बेनिफिट्स के बारे में आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जहां पर आपको बताया जाता है कि भीगे बादाम खाने के यह फायदे होते हैं। लेकिन दोस्तों हमारी जो बॉडी होती है ना उसकी तीन तरह की प्रकृति होती है। आपकी और मेरी जो बॉडी की प्रकृति है, बॉडी का जो नेचर है वो अलग अलग तरह से होता है। जैसे कि वात किसकी बॉडी का नेचर है, पित्त किसकी बॉडी का नेचर है, कफ किसकी बॉडी का नेचर है। तो दोस्तों बॉडी की प्रकृति के अनुसार हमारी आयुर्वेद की किताब अष्टांग हृदयम के अनुसार हमें किस किस तरह से बादाम खाना चाहिए, भिगो करके खाना चाहिए, छिलके उतार करके खाना चाहिए, कौन कौन से भयंकर 21 रोग जड़ से खत्म होते हैं, पूरी जानकारी विस्तार पूर्वक दूंगा। तो वीडियो को ध्यान से अंत तक अवश्य देखें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, है ना। हमें कुछ भी लाइक करने के पैसे नहीं मिलते हैं, बस हमारा मोटिवेशन अप हो जाता है अगर आप हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन घंटे के बटन को दबाने के बाद ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जब भी मैं अपने चैनल पे एक नई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आइए जानते हैं दोस्तों, बादाम हमारी आंखों के लिए, हमारे शरीर के लिए, शारीरिक शक्ति को बढ़ाने के लिए, वीर नाश जिन पुरुषों ने बहुत अधिक किया है उनके लिए किस किस तरह से फायदेमंद होता है। इसके अलावा बालों के झड़ने से संबंधित जिनको समस्या रहती है उनके लिए किस किस तरह से फायदेमंद होता है। इसके अलावा एंटी एजिंग अगर आप दिखना चाहते हैं, लड़कियों में मासिक धर्म की जो समस्या रहती है, जो खूबसूरत और जवान दिखना चाहते हैं उनके लिए बादाम का प्रयोग किस किस तरह से करना है। सबसे पहले फायदे के बारे में बात करूं हमारी आयुर्वेद की किताब अष्टांग हृदयम के अनुसार, तो दोस्तों बादाम को अगर आपकी बॉडी की प्रकृति पित्त प्रकृति रहती है यानी कि शरीर में अगर गर्मी का मौसम भी है, ऊपर से शरीर में गर्मी बहुत अधिक बनती है, तो आपको बादाम को रात को सोते समय किसी भी मिट्टी के बर्तन में या फिर स्टील के बर्तन में, या तो मिट्टी का बर्तन प्रयोग करें सबसे बेस्ट होता है, उसमें पानी डाल करके आपको 5 से 6 बादाम को भिगो करके, और सुबह गलती से भी दोस्तों छिलके के साथ बादाम का प्रयोग नहीं करना, उसको उतार के ही खाना है। क्यों? क्योंकि दोस्तों छिलके में कुछ ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो कि दोस्तों बादाम के जो एक्चुअल पोषक तत्व होते हैं उसको आपके शरीर में, आपके ब्लड में एब्जॉर्ब होने से रोकते हैं। इसीलिए छिलका उतार करके ही बादाम खाना चाहिए अगर आप भिगो करके खाते हैं। जिनके शरीर में गर्मी बनती है उनको दोस्तों किस किस तरह से अलग अलग विभिन्न विभिन्न बीमारियों के अनुसार बादाम का प्रयोग करना है, आइए जानते हैं। सबसे पहले तो अगर आप अभी नौजवान हैं, आपको कोई भी शारीरिक बीमारी नहीं है, आप स्वस्थ दिखना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, चेहरे पे स्किन पे ज़बरदस्त ग्लो बनी रहे, इसके बाद आप बहुत ही एक्टिव रहें, दिमाग आपकी मेमोरी पावर बहुत शार्प हो, छोटे बच्चे जो होते हैं या फिर आजकल के नौजवान युवा होते हैं उनको दोस्तों बादाम सुबह उठ करके छिलका उतार करके ऐसे ही प्रयोग करना चाहिए। साथ में अगर चाहे तो 1 चम्मच हनी ले सकते हैं, शहद ले सकते हैं, और साथ में दोस्तों थोड़ा सा अगर आप चाहें शहद के अलावा गुड़ भी ले सकते हैं। ये दोनों चीजें अगर आप मिलाकर के खाते हैं तो टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है इसका, साथ में दोस्तों बहुत ही ज्यादा पौष्टिक होता है। बादाम के साथ में अगर आप शहद खाएंगे या फिर गुड़ खाएंगे, शहद की अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं दोस्तों। बादाम के साथ शहद खाने में एक तो नौजवान पुरुषों में जो वीर्य की कमी होती है, वीर्य का पतलापन, स्पर्म काउंट का कम होना, दोस्तों इस प्रकार की सभी समस्याओं में बादाम के साथ अगर आप शहद खाते हैं तो बहुत अच्छा होता है। हड्डियों को अगर आप मजबूत करना चाहते हैं तो बादाम के साथ में दोस्तों आपको गुड़ का सेवन करना चाहिए। एक बात का ध्यान रखें, गुड़ जो होता है दोस्तों, जैगरी जो होती है वो डार्क ब्राउन कलर के, तांबे के रंग की होनी चाहिए, वही शुद्धतम गुड़ होता है। अगर आपको मार्केट में पीले या फिर हल्के सफेद रंग का गुड़ मिल रहा है उसका दोस्तों आपको प्रयोग नहीं करना, उसको नहीं खरीदना है। इसके अलावा दोस्तों बादाम को रात को सोते समय अगर आप दोस्तों दूध के बीच में उबाल करके पीते हैं, क्योंकि आयुर्वेद में कभी भी सुबह उठ करके दूध पीना रिकमेंड नहीं किया जाता है। दूसरी बात, जर्सी गाय का दूध कभी ना ले। आजकल मार्केट में जो भी आप पैकेट का दूध खरीदते हैं, इवन जिन लोगों ने किसी के घर से भी दूध लगाया, ज्यादातर लोग पहले ये पता करें कि वो जर्सी गाय का दूध आपको देते हैं कि देसी गाय का देते हैं। देसी गाय का दूध लें दोस्तों, देसी गाय के दूध के साथ में अगर आप बादाम लेते हैं, थोड़ा सा मतलब मान के चलिए 1/2 चम्मच से भी कम मात्रा में घी डालते हैं, देसी गाय का शुद्ध घी, देसी गाय जो होती है, जर्सी गाय का नहीं लेना है।
साथ में दोस्तों 5 से 6 बादाम लेते हैं, यानी कि रात को दूध लेना है एक गिलास आपको उबाल करके थोड़ा ठंडा करके, बीच में आधे से भी कम चम्मच की मात्रा में घी और साथ में 4 से 5 से 6 बादाम। ये दोस्तों लेने से बहुत ही ज़बरदस्त शक्ति आती है, मतलब जिसको कहते हैं ना चुस्ती फुर्ती सफुर्ती, शरीर में कमज़ोरी और थकान बहुत ज़्यादा जिनके रहती है या फिर जिनकी उम्र बहुत अधिक है, सर्दी के मौसम में खासकर ये नुस्खा बहुत ही कारगर होता है। ठंडे इलाकों में ये नुस्खा बहुत ही ज़्यादा कारगर होता है शक्ति को बढ़ाने के लिए। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको घुटनों में जोड़ों में हाथों में पैरों में दर्द होने की समस्या या फिर अर्थराइटिस यानी कि दोस्तों गठिया की जिसको समस्या कहते हैं वो अगर आपको रहती है तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और अच्छी बात है कि आप अखरोट को और बादाम को, 2 बादाम और 1 अखरोट, इनको दोस्तों दूध के बीच में उबाल करके साथ में थोड़ा सा केसर मिला करके हफ्ते में 3 दिन मरीज को पिलाएं। ज़्यादा उम्र होने के कारण जिनको गठिया होता है उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त ये औषधि होती है। दोस्तों इसके अलावा एक बात का ध्यान रखें, जो भी मैं आपको औषधियाँ बताता हूँ, बादाम जैसे आप अगर सुबह लेते हैं भिगो करके तो आप डेली ले सकते हैं शहद के साथ, जिसको कोई भी समस्या नहीं है, लेकिन जैसा कि मैंने अभी आपको अर्थराइटिस के लिए बताया तो आपको कोशिश करना है कि या तो कम मात्रा में, अगर आप डेली प्रयोग कर रहे हैं तो कम मात्रा में करें कि आपके शरीर में गर्मी या इसका कोई भी एडवर्स साइड इफेक्ट ना हो। दूसरी चीज़ डॉक्टर से संपर्क करना किसी भी बीमारी में दोस्तों बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि सभी की बॉडी टाइप अलग होती है, बॉडी का नेचर अलग होता है, बीमारियाँ सभी की अलग अलग होती हैं जो कि हमें कभी पता भी नहीं होती हैं, है ना। तो बहुत ज़रूरी होता है अच्छे फिजिशियन को डॉक्टर को कंसल्ट करने के बाद ही चीज़ों का सेवन करना। इसके अलावा दोस्तों बादाम बहुत ही ज़्यादा एंटी एजिंग होता है, अगर आप लंबे समय तक जवान दिखना चाहते हैं कि आप नौजवान बने रहें, 50 की उम्र में 25 जैसी सफुर्ती चुस्ती फुर्ती आपके शरीर में रहे, आपको दोस्तों बादाम का भिगो करके अवश्य डेली बेसिस पे प्रयोग भी करना चाहिए। साथ में हठ योग की कुछ प्रक्रियाएं होती हैं वो डेली बेसिस में आजमाएं, क्योंकि आजकल मेहनत शारीरिक मेहनत लगभग ना के बराबर हो गई है। सभी लोग घर पे बैठे रहते हैं, टीवी देखते हैं, कुछ काम नहीं करते, ऑफिस भी जाएंगे जो वहाँ पे भी एक जगह बैठना पड़ता है। पुराने ज़माने में लोग खेती करते थे, आज से लगभग मान के चलिए 200 गुना ज़्यादा मेहनत करते थे शरीर से, तो शरीर स्वस्थ रहता था। अभी शरीर को अगर आप स्वस्थ रखना चाहते हैं तो खाली बादाम खाने से आपको फ़ायदा नहीं होगा किसी भी बीमारी में। अगर आप सच में ही फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आपको दोस्तों हठ योग की कुछ प्रक्रियाएं जो कि बड़ी आसानी से आप दोस्तों सद्गुरु से सीख सकते हैं, मैं यहाँ पे कोई भी पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ उनका क्योंकि वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो आपको दोस्तों हठ योग की कुछ प्रक्रियाएं जैसे कि सूर्य क्रिया हो गई, सूर्य शक्ति हो गई, अंगमर्दना हो गई, इस तरह की कुछ हठ योग की प्रक्रियाएं होती हैं, ये दोस्तों बहुत अच्छी होती हैं शरीर को स्वस्थ बनाने में। जिनको कोई बीमारी हो भी जाती है, हाई बीपी, डायबिटीज, हार्ट की प्रॉब्लम, ये सभी दोस्तों जितनी भी हठ योग की प्रक्रियाएं हैं सभी बीमारियों को 1 से 2 से मैक्सिमम 3 महीने में जड़ से ख़त्म कर देती हैं किसी भी एज में। या तो सूर्य क्रिया सीखें या अंगमर्दना सीखें या हठ योग की जैसी प्रक्रियाएं, भूत शुद्धि होती है बहुत अच्छी होती है जिसको महिला और पुरुष और खासकर ज़्यादा उम्र के लोग भी कर सकते हैं, ये जरूर आपको करनी चाहिए। भूत शुद्धि बहुत जरूरी होती है दोस्तों। तो ये सब हठ योग की प्रक्रियाएं अगर आप सीखते हैं, साथ में दोस्तों बादाम का प्रयोग करते हैं थोड़ी थोड़ी मात्रा में अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार, तो ये हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा होता है। हार्ट के फंक्शन को हेल्दी बनाने के लिए यानी कि दिल की धड़कन को स्वस्थ रखने के लिए, हार्ट को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छे बादाम के बीच में पोषक तत्व पाए जाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, विटामिन्स पाए जाते हैं जैसे कि विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन B12, इसके अलावा दोस्तों बीटा कैरोटीन जो कि बालों को भी स्वस्थ बनाने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ना। बायोटिन प्रोटीन पाई जाती है नेचुरल, वो भी एक तो मार्केट में मिलती है, इसके बीच में नेचुरल बायोटिन प्रोटीन होती है। इसके अलावा और भी ऐसे अन्य पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि दोस्तों आपके बालों को स्वस्थ रखने में चाहे आप महिला हों या फिर पुरुष हों मदद करती है। इसके अलावा दोस्तों पाचन तंत्र को स्वस्थ बनाने के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपको बादाम का भिगो करके शहद के साथ में अवश्य डेली बेसिस पर प्रयोग करना चाहिए। जिनको डायबिटीज़ की समस्या है उनको दोस्तों
शहद का या फिर किसी भी मीठे पदार्थ का प्रयोग नहीं करना है, वो बादाम का अवश्य सेवन कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की सलाह के अनुसार कितने बादाम लें, दो लें कि एक लें कि तीन लें कि छः लें, ये आपको ज़रूर पूछ लेना है, लेकिन बिल्कुल कंज्यूम कर सकते हैं। हाई बीपी में भी इसको कंज्यूम किया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों आप इसको डायबिटीज़ में भी कंज्यूम कर सकते हैं, हार्ट के लिए बिल्कुल बहुत अच्छा होता है। अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि कभी कभी डॉक्टर ये सब चीज़ें खाने को मना करते हैं। कभी भी चीज़ों का परहेज़ करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप उसको पूरा छोड़ दें। थोड़ी थोड़ी मात्रा में सभी कुछ लेना है ताकि शरीर के अंदर और दूसरी कमी ना हो। अगर आपको डॉक्टर मान ले कि बादाम खाने से मना करता है तो कम मात्रा में लें, एक बादाम लें। एक बादाम लेना आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेगा अगर आप नियमित रूप से नियमित बेसिस पे इसका सेवन करते हैं। मुझे उम्मीद है आज की जानकारी बादाम के फायदों के बारे में आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करना, अपने मित्रों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। चलिए मिलते हैं कल एक नई वीडियो में।